हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के दिन कुछ मीठा बनाते हैं, तो आज बनाते हैं हम गुलाब जामुन। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है खोया, जिसको मावा बोलते हैं। ये 1 kg खोया है। इसमें मैं 1 ग्लास मैदा डाल दूंगी, छोटे वाले ग्लास से। अब ये मैंने थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके रखा हुआ है घिस के, तो मैं इसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी। ये 100 ग्राम के आसपास पनीर होगा। तो 1 kg मावा में एक छोटा सा ग्लास से मैदा और 100 ग्राम पनीर मैंने ले लिया है। अब इस सबको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे इन सबको। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के, पानी दूध आप किसी चीज़ से भी इसको गूँथ सकते हो। तो इसको बहुत अच्छी तरह से गूँथे, तब तक गूँथे जब तक ये हाथ में घी ना लगने लगे, एकदम चिकना ना हो जाए, तब तक इसको गूँथे। तो ये देखिए मैं गूँथ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, टाइट भी नहीं रखना है। तब तक चलिए हम चाशनी चढ़ा देते हैं। तो ये 1.5 kg के आसपास चीनी है इस ग्लास से। मैंने 6 ग्लास रखा है चीनी, और मैं इसमें 4 ग्लास पानी डाल दूंगी। तो मैं 4 ग्लास पानी डाल दूंगी, और उसके बाद मैं इसको चढ़ा दूंगी गैस पे। तो चलिए अब हम इसको चढ़ा देते हैं फाइनली गैस पे। और तब तक ये हमारा चाशनी होगा तैयार। तब तक चलिए, हम आटा गुथ गया है, तो अब उसका गोल गोल हम गुलाब जामुन बना लेते हैं, उसका बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा गुथ चुका है। और ये देखिए मैंने ये लिया और ये मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए एकदम हल्के हाथों से गोल बनाना है, एकदम इसमें दरार नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो ये कितना चिकना है, और ये देखिए हाथ में कितना घी लग गया है। तो एकदम चिकना होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें दरार नहीं होना चाहिए। अगर दरार है तो ये फट जाएंगे। अब ये मैं देख लेती हूँ, तो चाशनी हो गया है। जो थोड़ा सा ये चट चट करने लगे ना, तो फिर इसको निकाल लेना है ठंडा होने के लिए। अब ये चाशनी हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं, तलते हैं गुलाब जामुन को। तो ये देखिए गरम हो चुका है तेल, रिफाइंड ऑयल मैंने डाला हुआ है। तो ये देखिए अब मैं इसमें डाल के इसको तलूंगी अच्छे से, और फ्लेम एकदम मीडियम से थोड़ा सा कम ही रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। अब हम इसको अच्छी तरह से तल लेंगे उलट के पलट के। तो ये देखिए फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, वरना ये अंदर से पकेगा नहीं, ऊपर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। इसलिए एकदम फ्लेम रखिए मीडियम टू लो। और ये देखिए अब हम पका लेंगे इसको अच्छे से। अब ये हमारा गुलाब जामुन धीरे धीरे ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है, धीरे धीरे पक रहा है ये। अब धीरे धीरे गोल्डन हो जाएगा ये, तो हमको एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेना है इसको। तो ये देखिए ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ये देख सकते हो आप। ये बिल्कुल नहीं फटा है, एकदम चिकना चिकना हुआ है ये देखिए। और इसको आराम आराम से पलटेंगे, ये देख लो आप, एकदम गोल गोल है ना, कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। अब ये सोचिए ये मुंह में जाएगा तो कैसा लगेगा, अभी नहीं ठंडा होने के बाद। तो ये देखिए, ये मैंने इतने सारे बॉल्स बना के रख लिए हैं, और ये गुलाब जामुन अब हमारा होने ही वाला है। ये हो चुका है गोल्डन ब्राउन, अब हम इसको निकालेंगे।
ये देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल भी फटा नहीं है। और इसमें मैंने कोई सोडा वोडा नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। तो ये देखिए हमारा गुलाब जामुन तैयार है चाशनी में जाने के लिए। ये देखिए, तो अब ये जाएगा चाशनी में। तो चलिए इसको निकाल देते हैं, अब तो चल जाए चाशनी में। ये देखिए गया, और सारा निकाल के डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, ये भी गया। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप चाशनी में इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। अब हम इसको थोड़ा सा मिला देंगे ऐसे। अब ये सारे चाशनी को अपने अंदर खींच लेगा, लग रहना एकदम मार्केट जैसे गुलाब जामुन, गोल गोल से एकदम चिकने चिकने गोल गोल गुलाब जामुन। तो ये देखिए मैंने बना लिया है गुलाब जामुन। तो चलिए अब इसको हम आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा बना है अंदर से, इसका क्या पोजीशन है। तो ये देखिए, अब हम इसको करते हैं कट, और फिर अंदर से ये देखिए बिल्कुल जालीदार गुलाब जामुन बना है, थोड़ा भी गुल्ठा उल्टा इसमें नहीं हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी शानदार बना है। अब मैं इसको दिखा देती हूँ, एक मिनट हाथ से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल इसमें रस घुस चुका है अंदर तक, बहुत फ्लॉपी बना है। और ये देखिए बिल्कुल चिकना है, कहीं से भी थोड़ा सा भी नहीं फटा है ये। ये देखिए पूरा रस इसमें घुस गया है। तो ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन, तो आप भी बनाइए और खाइए।